नमस्कार दोस्तों, मैं दीपलाल भारद्वाज, चेयरमैन हिमाचल एकता मंच, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हिमाचल एकता मंच फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे हम दिन प्रतिदिन नई उभरता जो हमारे प्रतिभागी होते हैं, जो हुनर होते हैं, उन्हें आपके समक्ष रूबरू करवाते हैं। आज उसी कड़ी में आपको हम मिलवाना चाह रहे हैं जो पिछले कल यहाँ नगर में जिला कुल्लू के जो नगर जो ब्यूटीफुल प्लेस है वहाँ पे जो शोभला वाणा करके जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था चैंप फाउंडेशन दिल्ली के माध्यम से, तो उसमें जो हमारे मिस नगर रही है मिस तमन्ना जी, तो उनसे आज आपको रूबरू करा रहे हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको मिस तमन्ना जी से। नमस्कार, मेरा नाम तमन्ना है। आपका हार्दिक स्वागत है मैडम। आप कहाँ से हो? मैं नगर से हूँ। नगर से। आपको आप क्या क्या करते हैं? डांस, मॉडलिंग? मुझे फैशन शो और डांस करना बहुत पसंद है। तो आपने कहीं से सीखा है या? हाँ जी, मैंने अपनी दीदी से सीखा, हिना दीदी। तो आपके मतलब कि डांस के या मॉडलिंग के गुरु हैं? दोनों के, मतलब कि आपके किस्म से वो दीदी भी और गुरु भी है। क्या बात। तो आप कितने साल हुए आपको सीखे? बचपन से सीखती हूँ डांस, मॉडलिंग तो मतलब कि आपको शौक जो है इसका बचपन से? तो आप पिछले कल जो है मिस नगर चुनी गई, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो यहाँ की जो युवा जो शक्ति है, नारी शक्ति, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे तो यहाँ नगर की जो होते हैं ना बच्चे, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कि थोड़ा लगता है कि हाँ आगे जाके स्टेज में क्या होगा क्या नहीं होगा, पर अगर घर से सपोर्ट मिलेगा तब सब कुछ हो जाता है। मुझे भी घर से सपोर्ट किया था मम्मी पापा ने, तो फिर मैं बन गई मिस नगर। तो दोस्तों कहते हैं अगर माँ बाप का साया बेटों पे बेटियों पे हो तो कोई भी ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं है जो बेटे बेटियाँ उसको जीत ना सके, अपने मंजिल को पा ना सके। तो आगे तमन्ना जी आपसे पूछना चाहूँगा, आगे आपकी क्या सोच है, क्या आपकी एम है, मतलब आपका सपना क्या है, आप मॉडलिंग में या डांस में क्या करना चाहेंगे? मॉडलिंग। और अगर कोई आपको संदेश अपनी तरफ से देना चाहे? वैसे तो मतलब कि पार्टिसिपेट होते रहेंगे हर जगह फंक्शन, तो मुझे भी बुलाते रहना। तो दोस्तों ये थे तमन्ना जी, और अगली कड़ी में हम आपको कल या परसों एक और ऐसे प्रतिभाशाली हुनर से मिलवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।